कल का जो जुमे का जो प्रोग्राम है, मैं अपने दोस्त वालों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और उनके अहले बैत अतहार के शान में जो गुस्ताखियाँ की गई हैं, देखिए कोई सा भी गुरु हो, चाहे मुसलमानी गुरु हो चाहे हिंदू गुरु हो, सब मोहब्बत के पैगाम देने वाले थे। और ये हमारा हिंदुस्तान तो गुलदस्ता है, हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इस लिहाज से हम बार बार कहते आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। हमने यही चाहा कि कल जुमे की नमाज़ के बाद कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं और एक मेमोरेंडम हमने थाना अध्यक्ष के हाथों में दे दें ताकि वो यहां से सदर जमहूरिया तक वो चीज़ हमारे पैगाम को पहुँचा दें कि कोई भी ऐसी परेशानी किसी भी गुरु की जानिब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अपनी ज़बान को गंदी ना करें ताकि आपस में मेल मोहब्बत बाकी रहे। ये हमारा कल का पैगाम। अच्छा, तो इसमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल होंगे? कितने लोग के लिए? सिर्फ भोजपुर के हैं, भोजपुर के रहेंगे, और अमन कमेटी, अमन कमेटी जो भी उसमें लोग रहेंगे वो सब बाकी रहेंगे उसके अंदर, और कोई भी बाहर का कोई आदमी उसमें नहीं होगा। अच्छा, किस टाइम का प्रोग्राम है आपका? जी किस टाइम का? हाँ, ये जुमे के बाद का है, जुमे के बाद का है। 2 बजे तकरीबन नमाज हर मस्जिद में से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद का ही है। किस जगह इकट्ठा होना है? अब ये फैज़ुर रसूल में जमा होने के लिए लोगों ने कहा था, फैज़ुर रसूल में ही जमा हो जाएंगे, वहीं से चल के हम थाने के अंदर हम पहुँच जाएंगे। ये हमारा पुराना जी।